हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग क्लास फाइव का एक चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ब्रेवरी अवार्ड। क्या नाम है इस चैप्टर का? नाम ब्रेवरी अवार्ड। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। आप ध्यान से देखें, वीडियो पूरा तरह देखें, आपको अंग्रेजी पढ़ना समझना दोनों आ जाएगा। ऑन गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1957 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू वॉज वॉचिंग रामलीला एट द रेड फोर्ट। इसका मतलब हुआ कि 2 अक्टूबर 1957 को गांधी जयंती के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी रेड फोर्ट यानी लाल किला पर रामलीला देख रहे थे। वाचिंग मतलब क्या था? देख रहे थे। क्या देख रहे थे? रामलीला। वो कहाँ देख रहे थे? रेड फोर्ट यानी लाल किला में। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अ शॉर्ट सर्किट कॉज्ड अ फायर इन द सामियाना डेकोरेटेड टेंट। यानी जब ये परफॉर्मेंस चल रही थी उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सामियाना, जिसे सजाया हुआ टेंट कहा गया है, तंबू, सामियाने में आग लग जाता है। शॉर्ट सर्किट के कारण सामियाने में आग लग जाता है। हरिश्चंद्र मेहरा अ 14 ईयर्स ओल्ड स्कॉट प्रोमेंटली टुक आउट हिज नाइफ एंड रिप्ड ओपन द बर्निंग टेंट। एक 14 साल का स्कॉट हरिश्चंद्र मेहरा, जिसने तुरंत ही बिना समय गवाए हुए अपना चाकू निकाला और जलते हुए तंबू को चीर दिया। सेविंग द लाइफ्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रैप्ड पीपल। और उन्होंने सैकड़ों जो टेंट में फंसे हुए थे उन लोगों की जान बचाई। दिस इंसिडेंट इंस्पायर्ड नेहरू जी टू आस्क द अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश एन अवार्ड टू ऑनर ब्रेव चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। इस घटना ने नेहरू जी को प्रेरित किया अपने अधिकारियों को ये कहने के लिए कि भारत के कोने कोने से, देश के हर कोने से बहादुर बच्चों को अवार्ड देने का सिलसिला शुरू किया जाए। द फर्स्ट ऑफिशियल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हरीश चंद्र एंड वन अदर चाइल्ड ऑन 4 फरवरी 1958। पहला आधिकारिक राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हरिश्चंद्र और एक अन्य बच्चे को 4 फरवरी 1958 को दिया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। और इसे किसके द्वारा दिया गया? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। 4 फरवरी 1958 को पहली बार किसी बच्चे को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। द ICCW यानी इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय बाल कल्याण परिषद, हैज़ कंटिन्यूड द ट्रेडिशन एवर सिंस। और तब से भारतीय बाल कल्याण परिषद ने इस परंपरा को जारी रखा है।
और आज भी जब कोई बच्चा कोई बहादुरी का काम करता है तो उसे इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिर अगला स्टोरी है राजदीप दास द ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का। तो चलिए देखते हैं राजदीप दास ने क्या किया था। राजदीप दास इज ए 16 ईयर्स ओल्ड बॉय। राजदीप दास एक 16 साल का लड़का था। ही बिलोंग्स टू बरमसिया विलेज ऑफ देवघर डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। वह झारखंड के देवघर जिले के बरमसिया गांव का रहने वाला था। हिज फैमिली इज ए मिडिल क्लास फैमिली। उसका परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था। मध्यवर्गीय का मतलब ना वो बहुत ज़्यादा अमीर थे ना वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। ही हैज़ लर्न्ड स्विमिंग फ्रॉम हिज फादर। उसने तैराकी यानी तैरना जो है अपने पिताजी से सीखा। ही लव स्विमिंग सिंस हिज चाइल्डहुड यानी बचपन। उसे बचपन से ही तैरना बहुत अच्छा लगता था। वन अर्ली मॉर्निंग ऑन द डे ऑफ गॉडेस लक्ष्मीज आइडल इमर्जन यानी जिस दिन लक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन के दिन सुबह जल्दी ही वेंट टू टेक बाथ इन द विलेज पॉन्ड यानी जिस दिन लक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन होना था उसी दिन सुबह सुबह वो गांव के तालाब में नहाने के लिए गया। कौन गया? राजदीप दास। देयर वेर थ्री अदर गर्ल्स मेकिंग अ स्प्लैश। और उसी समय वहाँ तीन और दूसरी लड़कियाँ जो थी वो भी कूद रही थी पानी में। सडनली अचानक वन ऑफ देम बिगेन ड्रोनिंग। उनमें से एक लड़की जो है वो बहने लगी यानी डूबने लगी। ड्रोनिंग का मतलब डूबने लगी। द अदर गर्ल जम्प्ड इनटू द पॉन्ड टू सेव हर बट सी डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। अब जो ये लड़की जो कूद गई दूसरी लड़की उसे बचाने के लिए कूद गई लेकिन उसे भी तैरना नहीं आता था। द थर्ड गर्ल जो तीसरी लड़की थी ऑल्सो जम्प्ड इन वो भी कूद गई। She began to search both of them. और उसे तैरना आता था इसीलिए वो दोनों को खोजने लगी मतलब कूद गई पानी में दोनों को खोजने लगी। All her efforts went in vain. और उसका सारा effort यानी प्रयास जो था वो बेकार हो गया यानी वो खोज नहीं पाई। फिर आगे क्या होता है? एज राजदीप दास सो द गर्ल्स ड्रोनिंग। जैसे ही राजदीप दास ने देखा कि लड़कियां डूब रही है ही जम्प इन टू द पॉन्ड वो तालाब में कूद गया। इट वॉज एटलीस्ट 8 feet डिप बट ही डिड नॉट केयर। वो तालाब कम से कम 8 feet गहरा था लेकिन उसने परवाह नहीं की। ही सर्च्ड थ्रोली फॉर द गर्ल्स। और वो अपना पूरा यानी अच्छी तरह से लड़कियों को खोजने लगा। इवन थू ही वॉज गेटिंग टायर्ड भले वो थक गया He did not give up, लेकिन हार नहीं मानी। He managed to pull them out of the water,
और वे उन्हें पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। एंड ऑल्सो गेव देम फर्स्ट एड, और उन्हें प्राथमिक उपचार भी किया। ही सेव्ड नॉट जस्ट वन बट थ्री लाइव्स ऑफ हिज विलेज ऑन दैट डे। उस दिन उसने एक नहीं बल्कि तीन जानों को अपने गांव के बचाया था। राजदीप वॉज ऑनर्ड फॉर दिस एक्ट ऑफ ब्रेवरी बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। राजदीप के इस बहादुरी भरे काम के लिए उसे स्थानीय सरकार प्रशासन एंड लेटर बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड और बाद में झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। ही ऑल्सो गॉट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे 2015, और इसके अलावा उन्हें भारतीय वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 26 जनवरी 2015 को फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और किसके द्वारा दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 26 जनवरी 2015 को उसे भारतीयता राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गई है, चैप्टर समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले क्लास में, इसके क्वेश्चन आंसर तो हम लोग देखेंगे। और अधिक से अधिक इस तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।